रांची में, और आज हमारी जर्नी होने वाली है रांची शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि अभी हावड़ा से आ रही है। अभी आप सामने देख सकते हैं इस, और इसमें लगा हुआ है वेब 5 हावड़ा शेड का। और आज की जर्नी की शुरुआत से पहले मैं आपको आज इसके एग्जीक्यूटिव क्लास का व्यू दिखाऊंगा और इसके वॉशरूम को भी दिखाऊंगा। उसके बाद हम अपने कोच में जाएंगे। सो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैं हूँ एग्जीक्यूटिव क्लास में, और यहाँ पे होती है 2x2 की सीटिंग अरेंजमेंट। और यहाँ पे आपको एक नेक रेस्ट दिया जाता है, जो कि चेयर कार के कंपैरिजन मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल सीटों को बना देता है। और यहाँ पर भी सेम आपको सीट्स के ऊपर साइड में सामान रखने की जगह मिलेगी, और रीडिंग लाइट्स वगैरह सामने अभी आपको दिख ही रहा है। बस ऐसा ही होता है ये एग्जीक्यूटिव क्लास। हमारी रांची शताब्दी रांची से निकल चुकी है 1:45 पे, और ये सामने खड़ी है पटना जन शताब्दी, जो कि अभी आई है। अब देखते हैं कब रांची आना होता है। अभी के लिए रांची को बाय करते हैं। ये जर्नी आप कब देखोगे मुझे नहीं पता, लेकिन रांची मैं गरीब रथ से आया था, और वो वीडियो शायद इस जर्नी से पहले आए। तो अगर वो जर्नी आप नहीं देखे होगे तो आई बटन पे आपको लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हो वहाँ से। अभी चलते हैं अंदर, उसके बाद थोड़े इस जर्नी में भी मैं आपको घाट सेक्शन एंजॉय कराने वाला हूँ। चलो अंदर चलते हैं, उसके बाद मैं आपको कोच वगैरह ये सब सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। फिलहाल चलते हैं अंदर। तो ये देख लो यहाँ का कुछ व्यू है, और जर्नी ऑलरेडी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ 3x2 की सिटिंग अरेंजमेंट है, और काफ़ी अच्छा खासा लेग स्पेस मिल जाता है आपको, और एक सामान वगैरह रखने के लिए मैट दी गई है, मैट नहीं होल्डर है, और एक टेबल, और आपको एक रीडिंग लैंप दिया गया है जो कि वर्क कर रहा है। और इस टाइम आप किसी भी नॉर्मल ट्रेन, यानी कि अगर इस टाइम पे अभी आप किसी भी राजधानी या किसी भी कैटेगरी की ट्रेन में जर्नी करते हैं तो आपको कर्टेंस नहीं मिलते, इसमें आपको कर्टेंस मिल जाते हैं। और बाकी देख लो आप व्यू ऐसा कुछ है। और मैं आपको बाहर ले चलता हूँ, बाहर दिखाता हूँ यहाँ पे सामान वगैरह रखते थे, और यहाँ सामने एक डस्टबिन है, और एक अलग से डस्टबिन रखा है, फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है यहाँ पे, और एक सबसे अच्छी बात यहाँ आपकी सेफ्टी के लिए कैमरा रखा गया है, और हर एक जगह पे आपको एक स्मॉग डिटेक्टर मिल जाएगा, उसमें वार्निंग भी दी गई है। फिलहाल अभी आप देख लो ये एग्जीक्यूटिव का है, सेम वैसे ही है, कुछ चेंजेस नहीं है यहाँ पे, बस एग्जीक्यूटिव जैसा मैंने आपको पहले दिखाया वहाँ पे 2x2 की सीटिंग अरेंजमेंट होती है, और आपको एक नेक रेस्ट मिल जाता है। मैं अभी आपको बता दूँ, आज हम जर्नी कर रहे हैं ट्रेन नंबर 02020 हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि रांची से हावड़ा तक हफ्ते के 6 दिन रन करती है,
और आज हम जर्नी कर रहे हैं शेयर कार में, एग्जीक्यूटिव साथ में। मैंने आपको उसका व्यू पहले ही दिखा दिया है, तो आज आप मेरे साथ डिजिटली हावड़ा तक ये जर्नी एंजॉय करने वाले हैं इस हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस में। सो अब बात करें इस ट्रेन की, तो ये ट्रेन 419 किलोमीटर की डिस्टेंस को 7 घंटे 45 मिनट में कवर करती है, और इस जर्नी के दौरान इसके टोटल 7 स्टॉप होते हैं। इस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जो मैक्स परमिसिबल स्पीड है इसकी 130 किलोमीटर पर आवर है, जो कि धनबाद से लेके दानकुनी के बीच में है। और अभी हम घाट सेक्शन को ही क्रॉस कर रहे हैं, तो अभी आप घाट सेक्शन को एंजॉय करो। यही थी इस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन, और इसके साथ ही मैं आपको इसके कोच और कोच के बारे में बता दूँ, तो 7 इसमें चेयर कार के कोच लगे हैं और 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार के कोच हैं। फिलहाल आप बाहर के नज़ारों को एंजॉय करो। बस यही थी इस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन, आगे चलते रहते हैं जर्नी के साथ, मैं आपको कुछ ना कुछ बताते रहूँगा। किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट स्टॉप मोरी जंक्शन में, जिसका स्टेशन कोड है MURI, और यहां से 2 लाइनें क्रॉस करती हैं, गोमो हतिया मेन लाइन और मोरी चांदिल लाइन, तो इसी वजह से इसको जंक्शन कहा जाता है। अब यहां का आप अराइवल व्यू एंजॉय करो। और जो मोरी है ये मोरी टाउन को सर्व करता है, जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और सेम मोरी जंक्शन रांची डिवीज़न का रेलवे स्टेशन है। टोटल यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है। और इंडिया का फर्स्ट एल्युमिनियम रिफाइनरी आपको यहीं पे मिलेगा, छोटा मोरी में।
और इसी वजह से ये फेमस है, जैसे कि हिंड एल्को एल्युमिनियम रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ 5 मिनट के स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है मुरी जंक्शन से, क्योंकि यहाँ हम 3 मिनट बिफोर आए थे इसलिए यहाँ 5 मिनट का स्टॉप था, अदरवाइज़ यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप होता है। और इस टाइम आपको कुछ ख़ास रिस्ट्रिक्शन वगैरह का पता नहीं चलेगा, बस हाँ अगर आप दोनों डोज लेके रांची में आओगे तो आपको ऐसे ही जाने दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको अपना कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा स्टेशन पर ही, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वहाँ पे। अब इसका डिपार्चर हो गया, अब मैं आपको इसके वॉशरूम की कंडीशन दिखा देता हूँ कैसा है इसका वॉशरूम। अभी हम आ चुके हैं इस अपने C7 यानी कि AC चेयर कार कोच के वॉशरूम में, और इसकी कंडीशन आप सामने देख ही सकते हो, मेरा एकदम नीट एंड क्लीन है, मेरा फेस नहीं साफ है लेकिन, और ये लैंप छोटा सा है, और आपको यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर मिल जाएगा एक, वो दिखाता हूँ, पानी वगैरह एकदम सही आ रहा है, आपको लिक्विड शोर मिल जाएगा यहाँ पे, रूम फ्रेशनर है, स्मोक डिटेक्टर ये लगा हुआ है, और यहाँ पे एक छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ है, बात काफ़ी नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, ट्रेन भी पूरी नीट एंड क्लीन है। सो कुछ ऐसा था इस चेयर कार का वॉशरूम, मैं एग्जीक्यूटिव के साथ कंपेयर करूँ तो दोनों सेम ही है, कोई ख़ास नहीं है उसमें अंतर, बाकी स्मेल दोनों में नहीं आ रही है, एकदम नीट एंड क्लीन है। और 2018 में एक सर्वे किया गया था जिसमें 77 प्रीमियम ट्रेनों को रखा गया था, तो ये ट्रेन सेकेंड नंबर पर आई थी मोस्ट क्लीनेस्ट ट्रेन के अकॉर्डिंग, तो आप समझ ही सकते हैं कितनी क्लीन है। वैसे तो रांची सिटी भी पूरी क्लीन ही है, रांची स्टेशन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो रांची की ट्रेन क्यों नीट एंड क्लीन होगी। बस तो अभी जर्नी एंजॉय करो, मैं आगे आपसे मिलता हूँ बोकारो स्टील सिटी में। जर्नी जब की थी उसमें भी हमने कोटशिला को कवर किया था।
BKSC। अभी आप अराइवल देखो। और जो बोकारो है वो टोटल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और इसे इसलिए जंक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ से गोमो हटिया मेन लाइन क्रॉस करती है और एक लाइन क्रॉस करती है अदरा बोकारो स्टील सिटी ब्रांच लाइन। इन दोनों लाइन की वजह से इसे जंक्शन स्टेशन कहा जाता है। ये बसा हुआ है झरिया कोलफील्ड के किनारे पर और ये सर्व करता है बोकारो स्टील सिटी को और इसके सराउंडिंग माइनिंग जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनको ये स्टेशन सर्व करता है। और ये स्टेशन आता है अदरा डिवीज़न में, साउथ ईस्टर्न रेलवेज को ऑपरेट करता है और इसे ओपन किया गया था 1961 में, करीब 60 साल पहले इस स्टेशन को ओपन किया गया था। और आपको बोकारो स्टील सिटी में ही डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों ही लोको शेड देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक लोको शेड में आपको वैग 7 और वैग 9 के लोकोमोटिव देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो डीजल लोकोमोटिव शेड होते हैं उसमें आपको WDG-3A, WDS-6 जो कि शंटिंग लोकोमोटिव है, WDM-3A और WDM-2। तो कुछ आधे घंटे के स्टॉप के बाद हम बोकारो स्टील सिटी से निकल चुके हैं। और जब इस ट्रेन की फर्स्ट सर्विस स्टार्ट हुई थी तो ये ट्रेन यहीं तक आया करती थी, मीन्स कि हावड़ा से बोकारो स्टील सिटी तक ही चलती थी ये 1995 में। लेकिन 2001 में इसे एक्सटेंड करके रांची तक कर दिया गया, उसके बाद इसे रांची शताब्दी के नाम से जाना जाता। बस यही था यहाँ का कुछ। और इस बीच में काफ़ी ज़्यादा स्लैक टाइमिंग दी गई है, आधा घंटा हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी थी। कुछ 16 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद एक स्टेशन और है चंद्रपुर जंक्शन, तो उसके लिए भी हमारी ट्रेन को 33 मिनट्स दिए गए हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है 16 किलोमीटर के लिए 33 मिनट। चलो देखते हैं आगे। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं पैसेंजर तो बहुत ही कम है, बहुत कम क्या मतलब नाम मात्र है, लेकिन साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। और भी प्रीमियम ट्रेन में मैंने जर्नी किया लेकिन आज तक इतना साफ़ सफाई का ध्यान मैंने नहीं देखा है, इसीलिए इस ट्रेन को अवार्ड मिला था। अब आप समझ सकते हैं। और ये जितना कुछ भी आप देख रहे हैं ये सारा प्लांट इंडिया है। देख सकते हैं ये हमें क्रॉस कर रही है पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि न्यू दिल्ली से पुरी के लिए जा रही है। अभी चंद्रपुरा जंक्शन में जिसका स्टेशन कोड है CRP और ये स्टेशन ओपन किया गया था 1913 में
और उसके बाद इसे रिनोवेट किया गया यानी रिबिल्ड किया गया 1926 में। और इसके साथ ही अभी हम आ चुके हैं धनबाद डिवीज़न में, और जो बोकारो स्टील सिटी था वो अदरा डिवीज़न में आता है। और यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, और हमारी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और जो हमारी ये ट्रेन है रांची शताब्दी, इससे ऑपरेट करता है ईस्टर्न रेलवे। और यहाँ बात करें अब चंद्रापुर के बारे में, तो चंद्रापुर जाना जाता है अपने सुपर थर्मल पावर स्टेशन की वजह से। और आपने हो सकता है वर्धा वैली का नाम सुना होगा, तो वर्धा वैली कोल्ड फील्ड में आपको कोयले का एक विशाल भंडार देखने को मिल जाएगा, इसी वजह से ये काफ़ी जाना जाता है। और यहाँ पे आपको चूना पत्थर देखने को मिलेगा, और ये एक होता है रॉ मटेरियल जिसे यूज़ किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। खड़गपुर अदरा लाइन चेंज हो जाती है, जाती है बरका काना साइड में। यह मेरी सेकंड शताब्दी ट्रेन की जर्नी थी, और पहले मैंने ICF शताब्दी में जर्नी की थी, और बहुत सालों बाद आज मैं LHB शताब्दी में जर्नी कर रहा हूँ। पहली जो शताब्दी की जर्नी थी वो मेरी लुधियाना शताब्दी में थी, तो उसका आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। वैसे तो वो अब बंद हो चुकी है, तो अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करेगा। बाकी अभी तो जर्नी कंटिन्यू ही है, इतनी यहाँ तक अगर आपने जर्नी को देखा है तो आपको जर्नी ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कर देना। फिलहाल अभी बाहर के नज़ारों को कुछ एंजॉय करो।
है गया साइड से, और अभी हम चंद्रपुर साइड से हैं तो इस लाइन पे हैं। शायद 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। तो फाइनली धनबाद पहुँच ही गए। प्लेटफॉर्म पे आया सो मैं भी आपको यहाँ बता दूँ, धनबाद को जाना जाता है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से, और झारखंड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है ये धनबाद, और ये जाना जाता है कोल इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ की वजह से। धनबाद जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एरिया है इंडिया का, और अगर आप धनबाद में आते हैं तो आप इन जगहों पर घूमने जा सकते हैं, जैसे मैंथन डैम, पंचट डैम, कल्याणेश्वर मंदिर, उसके अलावा छरिया, भटिंडा फॉल्स, इन जगहों पे आप जाके फुल एंजॉय कर सकते हैं। और अब इसके बाद टोटल 3 स्टॉप और रह गए हैं, आसनसोल, रानीगंज एंड लास्ट दुर्गापुर। इसके बाद जो हमारी लास्ट ट्रेन पहुंचेगी हावड़ा में, हावड़ा पहुंचने का टाइम जो है वो है 9:30 का, और धनबाद से हम लोग बिल्कुल अपने समय पर निकले हैं, और करीब यहाँ से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है आसनसोल रेलवे स्टेशन। तो देखते हैं वहाँ के अराइवल का व्यू। फ़िलहाल जो कुछ स्टेशन थोड़े से हम स्कीप करेंगे वो देखेंगे, और अब देखते हैं इसके जो टॉप स्पीड कितनी रहती है, क्योंकि ये जो सेक्शन होता है अब यहाँ से स्टार्ट हाई स्पीड एक्शन वाला होगा। तो ये आ गए हम आसनसोल में, स्टेशन कोड ASN